वेलकम बैक टू वर्चुअल फिजिक्स क्लासेस। आज का टॉपिक है एनर्जी रिक्वायर्ड टू बिल्ड ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर को बनाने के लिए कितना एनर्जी रिक्वायर्ड रहता है, इसको हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हेडिंग डालिए जल्दी से, एनर्जी रिक्वायर्ड टू बिल्ड ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन राइट डाउन करो कि इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है। देखो, हमें यहाँ पे कूलम्ब एनर्जी का फॉर्मूला डेराइव करना है, या फिर एनर्जी का फॉर्मूला डेराइव करना है किसी भी स्फीयर को यूनिफॉर्मली चार्ज करने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, एक्सप्रेस या फिर डेराइव द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू बिल्ड ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। डेराइव द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू बिल्ड ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेनी ऑफ टाइम यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो क्या करें, एक स्फीयर कंसिडर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक स्फीयर कंसिडर कर लिया, येलो स्फीयर, जिसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। ठीक है, यहाँ पर टोटल चार्ज आपके पास कितना है, कैपिटल क्यू। हमने यहाँ पे क्या कंसिडर कर लिया, स्फीयर, रेडियस आर, और टोटल यूनिफॉर्मली चार्ज क्या है आपके पास, टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है। ठीक है, यहाँ तक ड्रॉ करो, ये लो हमने कैपिटल क्यू टोटल चार्ज यहाँ पे डिफाइन कर दिया, जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। नाउ अब हमें यहाँ पे एनर्जी कैलकुलेट करनी है कि कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है कि इस स्फीयर को यूनिफॉर्मली चार्ज करें या फिर यूनिफॉर्मली चार्ज हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए हमें यहाँ पर क्या कंसिडर करना है कि ये जो स्फीयर है वो किससे मिलके बना है, बहुत सारी स्फेरिकल सेल्स से मिलके बना है, कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स से मिलके बना है, जिसकी थिकनेस बहुत कम है। कैसे, देखो अभी डायग्राम बना के बता रही हूं मैं, इस तरह से ये जो स्फीयर है वो कॉन्सेंट्रिक, जिनका सेंटर क्या होगा, एक ही होगा, कॉन्सेंट्रिक, अच्छे से बनाना, सेंटर एक ही होगा, कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स से मिलके बना है। ये इस तरह से हमने यहाँ पे स्फेरिकल सेल्स बनाई है, जिनकी थिकनेस बहुत ही कम है, क्या है, जिनकी थिकनेस बहुत ही कम है, इस तरह से। ठीक है, तो फॉर दिस वी कंसीडर दिस स्फीयर इज मेड अप ऑफ कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स ऑफ वेरी स्मॉल थिकनेस, जिनकी थिकनेस क्या है, बहुत ही ज्यादा स्मॉल है। ठीक है, तो इसको डेराइव करने के लिए हम यहाँ पे एक स्फेरिकल सेल बना देते हैं, बहुत सारी ना बनाकर अभी तो हम समझने के लिए केवल एक स्फेरिकल सेल ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ब्लू पेन से स्फेरिकल सेल ड्रॉ कर दी। ठीक है, और यहाँ पे वापस चार्ज आप ड्रॉ कर लो, ये लो हमने यहाँ पे वापस चार्ज ड्रॉ कर दिया, जो कि टोटल कैपिटल क्यू है। ठीक है, अब देखो आपने ये सेल बनाई है, इसकी थिकनेस भी हम डिफाइन कर देते हैं, बहुत ही स्मॉल थिकनेस है, वो क्या है, डी आर, स्मॉल थिकनेस, लिख लो यहाँ पे स्मॉल थिकनेस, वो भी हमने डिफाइन कर दी, क्या है, डी आर है। क्लियर है, और अब देखो यदि आपने ये सेल बनाई है तो इनर वाली सरफेस से इसकी रेडियस भी हमने डिफाइन कर दी, विच इज स्मॉल आर, ये क्या है, इसकी रेडियस क्या है, स्मॉल आर है। ठीक है, और यहाँ पे पूरा कंप्लीटली चार्ज बना दो, अब ये इस तरह से हमने चार्ज बना दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, क्या करा है इसके लिए, हमने कंसिडर कर लिया एक स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, जिसमें यूनिफॉर्मली चार्ज क्या है, कैपिटल क्यू है, जो कि टोटल चार्ज है। ठीक है, सो नाउ अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। तो इसके लिए हमने क्या यहाँ पे कंसिडर किया है, अज्यूम करा है कि ये जो स्फीयर है वो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स से मिलके बना है, बहुत सारी कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स से मिलके बना है, जिनकी थिकनेस बहुत कम है। तो हमने भी यहाँ पे एक कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल बना दी, जिसकी थिकनेस मैंने डिफाइन कर दी डी आर। ठीक है, तो इनर वाली जो सरफेस है उससे मैंने रेडियस डिफाइन कर दी आर, तो ये देखो ये भी एक तरह से क्या बन रहा है, आपका स्फीयर बन रहा है। ठीक है, यदि मैं इस कैपिटल स्फीयर, मतलब जो बड़ा वाला स्फीयर है, इसकी बात करूं तो यहाँ पे वॉल्यूम डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी होता क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज इज डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो आप खुद बताओ यहाँ पे चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, इफ वी सिंप्लीफाई दिस तो आपके पास वैल्यू कितनी आ रही है, 3 क्यू अपॉन 4 पाई आर क्यू। ये रहा आपका
वैल्यू ऑफ डेंसिटी किसका, इस स्पेयर का जो हम कैपिटल आर रेडियस का लेकर चल रहे थे, ठीक है। तो इसको लिखो, लेट वी हैव अ स्पेयर ऑफ रेडियस आर इज यूनिफॉर्मली चार्ज विथ टोटल चार्ज कैपिटल क्यू, सो द वॉल्यूम डेंसिटी रो इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम, सो रो इक्वल टू चार्ज कितना है टोटल कैपिटल क्यू, तो हमने ये पुट किया है, वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये वैल्यू हमने पुट की, तो यहाँ से हमारे पास चार्ज डेंसिटी निकल कर आ रही है, इसे हमने इक्वेशन 1 से रिप्रेजेंट किया है। सो नाउ अब हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि जो स्पेयर है वो कॉन्सेंट्रिक स्पेरिकल सेल से मिलकर बना है। सो नाउ फॉर द बिल्ड अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेयर वी कंसिडर दिस स्पेयर टू बी मेड अप ऑफ कॉन्सेंट्रिक स्पेरिकल सेल्स ऑफ वेरी थिकनेस, वेरी स्मॉल थिकनेस, ठीक है। We draw a spherical cell of dr thickness. तो यहाँ पे हमने एक dr thickness का spherical cell draw कर दिया, ठीक है। So now अब हम यदि इस वाले sphere की बात करें जिसकी radius small r है, यदि मैं आपको पूछूँ यहाँ पे कि इस वाले sphere का charge क्या रहेगा, if we consider small q charge of sphere of radius small r, so value of q बताओ, value of q क्या होगी, खुद बताओ जल्दी से। रो क्या होता है आपका, रो होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से चार्ज कितना निकल कर आ रहा है, चार्ज निकल कर आ रहा है आपका जो कि हम q कंसिडर करके चल रहे हैं, स्मॉल q कंसिडर करके चल रहे हैं, वो कितना है, रो मल्टीपल वॉल्यूम, ठीक है। तो इस स्मॉल स्पेयर का वॉल्यूम कितना होगा, इस स्मॉल स्पेयर का वॉल्यूम कितना होगा, कितना आएगा यहाँ से देखो, चार्ज स्मॉल क्यों कितना निकल कर आएगा, डेंसिटी कितना है आपका रो, वॉल्यूम कितना है इसका 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, होगा नहीं होगा, होगा ना, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, समझ आया। अब देखो अभी लिखते जाओ आप, मैं स्टेप्स आपको एक बार रिवाइज करूंगी लास्ट में, तो आपको ये समझ आ जाएगा। अभी तो बस आप ये समझते जाओ कि हम करके आ रहे हैं, हमने स्पेयर लिया, ठीक है, उसके लिए डेंसिटी निकाल ली चार्ज डेंसिटी, इसके बाद हमने क्या माना कि जो स्मॉल स्मॉल थिकनेस के कॉन्सेंट्रिक स्पेरिकल सेल से बना हुआ है, तो ये एक स्पेरिकल सेल बना दी हमने, ठीक है, जिसकी थिकनेस मैंने स्मॉल डी आर रिप्रेजेंट करी है, और इसकी जो अब इनर वाला सरफेस है, इनर वाले सरफेस की मैंने रेडियस डिफाइन कर दी, वो क्या है, स्मॉल आर है। अब इस रेडियस आर वाले स्पेयर पे हमने चार्ज क्या माना है, क्यू माना है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये रहा रो मल्टीपल वॉल्यूम, रो यहाँ पे क्या है आपका चार्ज डेंसिटी, और वॉल्यूम कितना आ रहा है 4/3 पाई आर क्यूब। इस तरह से हमने चार्ज निकाल लिया किसके अंदर, इस स्पेयर के अंदर, ठीक है। ये सब क्यों कर रहे हैं अभी समझ आ जाएगा, थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है, यहां तक कोई डाउट है नहीं, है ना। अब देखो एक फंडा है यहाँ पे, फोर स्पेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, फोर स्पेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हम बात करें एक्सटर्नल पॉइंट के लिए जो इनर वाला जो आपका स्पेयर है उसका टोटल चार्ज एक सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट दिखाई देता है। यदि हम बात करें कि एक्सटर्नल पॉइंट्स के लिए फोर स्पेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक्सटर्नल पॉइंट से यदि हम ऑब्जर्व करें तो आपको ये किस तरह से दिखाई देगा कि इसका जो टोटल चार्ज है वो उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट है, किसके लिए, ओनली फॉर स्पेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर स्पेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एक्सटर्नल पॉइंट, इस तरह से लिखना था कि आपको भी याद रहे, फॉर एक्सटर्नल पॉइंट, क्या कि जो आपका स्पेयर है उसका चार्ज किस तरह से दिखाई देगा, कॉन्सेंट्रेट एट अ सिंगल पॉइंट, फॉर एक्सटर्नल पॉइंट टोटल चार्ज ऑफ स्पेयर, ये अपन यूज में लेंगे, है ना, टोटल चार्ज ऑफ स्पेयर कॉन्सेंट्रेट एट अ सिंगल पॉइंट, या फिर हम बात करें एट अ पॉइंट, इस तरह से लिख लो आप, ताकि आपको ये फंडा याद रहेगा, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ध्यान रहेगा कि हम एक्सटर्नल पॉइंट की बात करें तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से हम ऑब्जर्व करें तो इस स्पेयर का जो टोटल चार्ज है वो किसी एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट रहेगा, ठीक है, एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट रहेगा। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि इस स्पेयर के सरफेस पे
वैल्यू ऑफ पोटेंशियल क्या होगी? हमने क्या बोला कि जो टोटल चार्ज है वो एक पॉइंट पे कंसंट्रेट रहेगा, तो पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल होता है नहीं होता है? होता है ना। तो आप खुद बताओ, यदि पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल होता है तो इस स्फीयर के सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? सो द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल सरफेस ऑफ स्फीयर रेडियस ऑफ स्फीयर बताओ क्या होता है फॉर्मूला? V इक्वल टू के क्यू क्यू बाय आर, यही होता है ना फॉर्मूला। तो K हमें पता है, Q चार्ज अभी कैलकुलेट करा क्या आपने, ये रहा रो मल्टीपल वॉल्यूम, ये रहा कितना है रो मल्टीपल 4πr³/3, ठीक है। और नीचे क्या है आपका R, तो कितना आ रहा है आपके पास 4/3 के रो पाई आर स्क्वायर। ये क्या वैल्यू आ रही है आपके पास, वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट द सरफेस, इस वाले स्फीयर के सरफेस पे हमने पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करी है, ठीक है। यहां तक समझ आ गया? नाउ अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इस जो कॉन्सेंट्रिक स्पेरिकल सेल हमने बनाई है, अब हम इसको चार्ज प्रोवाइड करवाए। यदि हम क्या करें, जो हमने डी आर थिकनेस का एक कॉन्सेंट्रिक स्पेरिकल सेल बनाया है, अब हम क्या करेंगे, इस स्पेरिकल सेल को चार्ज प्रोवाइड करवाए। तो इसमें अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होगा, डी क्यू निकाल लोगे क्या आप? डी क्यू क्या होगा, निकालो, खुद से निकालो। यहां पर इफ द अमाउंट ऑफ चार्ज, ऐसे लिखो आप, अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज, वैल्यू ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज given to spherical cell of thickness dr equal to, बताओ कितना होगा, डी क्यू क्या होगा, रो मल्टीपल वॉल्यूम। तो ये लो रो हमने लिख दिया, वॉल्यूम कैसे निकालोगे, थिकनेस हमें पता है, तो क्या करें, एरिया को हम थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दे, एरिया इज 4πr², थिकनेस कितना है आपका dr, ठीक है। तो इस तरह से हमने dq की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब देखो, अब जैसे ही आपने इसको चार्ज प्रोवाइड करवाया तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, नहीं होगी, होगी ना, क्यों, क्यू से जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज आप यहाँ पे प्रोवाइड करवाते जाओगे वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। सो अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी DU = VdQ, यही होता है ना फॉर्मूला। तो DU = V आपने कैलकुलेट करा क्या, ये रहा कितना आ रहा है 4/3 के रो पाई आर स्क्वायर, डी क्यू ये रहा, विच इज रो मल्टीपल 4πr² / dr, ठीक है। यहां तक लिखो, करें आगे, देखो इधर। तो एक स्फेरिकल सेल को चार्ज करने पे इतना अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो हमने तो क्या कंसीडर करा है कि जो पूरा स्फीयर है, ये पूरा स्फीयर आपका बहुत सारी कॉन्सेंट्रिक स्पेरिकल सेल से मिलके बना है ना। तो हम क्या करें, टोटल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करें। तो टोटल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या करेंगे हम, बताओ जल्दी से। टोटल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम क्या करें, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो लिखो यहाँ पे, सो टोटल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रेडियस कैपिटल आर, ठीक है। तो क्या करें हम, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, टू इंटीग्रेशन ऑफ डीयू, ठीक है। इंटीग्रेशन डीयू क्या है आपके पास, वी डी क्यू। तो टोटल चार्ज आपका कितना है, 0 से कैपिटल Q, ये हमने यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दी, ठीक है। अब करें इसको सिंप्लीफाई, U = 0 to Q, V = dQ, या फिर ये रही वैल्यू
हम डायरेक्ट इसको पुट कर दे और इसका हमने जीरो से क्यू यहाँ पे लिमिट लगा दिया, ये रही वैल्यू। इसको सिंप्लीफाई कर लो, हमने सिंप्लीफाई नहीं किया क्या? 16 के देखते देखो आप भी करो, रो स्क्वायर पाई स्क्वायर r की पावर 4 dr अपॉन 3, ये वैल्यू आ रही है। अब देखो आपका जो एक्सप्रेशन है वो किसके फॉर्म में है, r के फॉर्म में है, तो आपकी जो लिमिट है वो 0 से q, चार्ज की लिमिट है, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी ये, किसमें? रेडियस की में। तो 0 से q चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है, कंप्लीट रेडियस r वाले स्क्वायर में। तो 0 टू r आपका लिमिट लगेगा 16/3 के रो स्क्वायर पाई स्क्वायर, ठीक है, r की पावर 4 dr। तो बेसिकली यहाँ पे इंटीग्रेशन हमें किसका करना है, r की पावर 4 dr का। तो u इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्वांटिटी को आप बाहर ले लीजिए और r की पावर 4 dr इसका आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो कितना आएगा बताओ खुद से, r की पावर 5/5 0 टू r, ठीक है। लिमिट हम अप्लाई कर दें, अपर लिमिट यदि हम अप्लाई करें 3 × 5 = 15, मैं यहाँ पे इसको 15 लिख रही हूँ, के रो स्क्वायर पाई स्क्वायर आर की पावर 5 है तो कैपिटल आर की पावर 5, और लोअर लिमिट पुट करूँगी तो 0, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो 0 ही रहेगी सेकेंड टर्म। तो वैल्यू विल बी 16 / 15 के रो स्क्वायर पाई स्क्वायर आर की पावर 5, ये अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आपका निकल कर आ रहा है। अब देखो रो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे ना, रो कितना आ रहा था स्टार्टिंग में, क्वेश्चन नंबर 1 रो हमने कैलकुलेट करा था, बताओ खुद रो डेंसिटी क्या होता है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, इट मीन आपके पास आ रहा था 3 कैपिटल Q/4 पाई आर क्यूब। सो हम रो की वैल्यू ये पुट कर देते हैं, रो यहाँ पर क्या है, चार्ज डेंसिटी, तो 16/15, ठीक है, के कॉन्स्टेंट है, रो स्क्वायर मतलब 9, क्यू स्क्वायर अपॉन 16 पाई स्क्वायर आर की पावर 6, ठीक है, यहाँ पर है पाई स्क्वायर आर की पावर 5। इफ वी सिंप्लीफाई दिस, देखो 16 से 16 कट, 3 से यदि हम इसको कट करें तो 3/5, ठीक है, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, आपके पास रिमेनिंग इज के, ठीक है, क्यू स्क्वायर आर की पावर 5 है और नीचे देखो आर की पावर 6 है, तो 5 में से आर की पावर 6 कैंसिल हुआ, तो आपके पास क्या बचा, ओनली डिनोमिनेटर में 1 r, तो आपके पास वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी कितना आ रहा है, 3/5 के क्यू स्क्वायर अपॉन r, लिख लीजिए इस फॉर्मूले को, और यही क्या है आपका, यही है एनर्जी रिक्वायर्ड टू बिल्ड ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, यूनिट लगा लो यहाँ पे जूल। तो इस तरह से इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारा निकल कर आ रहा है, प्रोसेस मैं रिपीट कर रही हूँ, देखो एक बार जो अभी हमने किया है कंप्लीट, पहले हमने कंसीडर किया स्फीयर ऑफ रेडियस r और टोटल कैपिटल Q यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, ठीक है, यहाँ से हमने रो की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, क्वेश्चन 1 बता दिया। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया कि जो कंप्लीट आपका स्फीयर है वो बहुत सारी स्मॉल थिकनेस की कॉन्सेंट्रिक स्पेरिकल सेल से बना हुआ है, तो हमने भी यहाँ पे dr थिकनेस की स्पेरिकल सेल बना दी, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनर वाला आपका स्फीयर आ रहा है जिसकी रेडियस r है, यहाँ पे अमाउंट ऑफ चार्ज हमने निकाल लिया Q, वो कैसे निकाला था कि रो मल्टीपल, बताओ जल्दी से, रो मल्टीपल डीवी से, ठीक है। अब देखो फोर एक्सटर्नल पॉइंट इसमें जितना भी चार्ज है वो किस तरह से बिहेव करता है कि वो एक चार्ज सारा का सारा एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रिक है, यदि एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट है तो वहां पे पोटेंशियल होगा नहीं होगा उस चार्ज की वजह से, तो उस चार्ज की वजह से, उस चार्ज पॉइंट की वजह से हमने इस स्फीयर के सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू वी कैलकुलेट कर ली, ठीक है। इसके बाद थर्ड हो गया फोर्थ स्टेप में हमने क्या करा कि जो स्फेरिकल सेल हम लेकर चल रहे थे उसको चार्ज किया, हमने डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज इसको प्रोवाइड करवा दिया, ठीक है, डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज हमने इसको प्रोवाइड करवा दिया। अब डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज हमने प्रोवाइड करवा दिया, इसके बाद देखो हमने क्या कंसिडर करा कि डी क्यू यदि अमाउंट ऑफ चार्ज आप इसको प्रोवाइड कराओगे तो एनर्जी इसमें इंक्रीज होएगी, तो हमने निकाल लिया वी डी क्यू से। जब हमने कि स्फेरिकल सेल के लिए निकाल लिया तो ओवरऑल के निकालने के लिए हमने क्या किया कि जो आपका एक स्फेरिकल सेल है
उसी तरह से ये बहुत सारी स्पेरिकल सेल्स से मिलकर बनाया, तो ओवरऑल हमने उसका इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो इस तरह से हमें ये पांचों स्टेप को फॉलो करना है तो हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू बिल्ड ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।